students are more interested in those teachers which have good presentation style inside a regular classroom you can do it very well but when you are presenting online it becomes very difficult to present as you like that may be due to many reasons mainly due to the limited resources we knows or we are not using them in proper way सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो हम डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये डिजिटल बोर्ड क्या है क्या हार्डवेयर इसमें होंगे क्या सॉफ्टवेयर इसमें होंगे और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू द टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इन दिस वीडियो यू विल बी एबल टू इम्प्रूव यूर ऑनलाइन टीचिंग सो विदाउट ए फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में पहले बात कर लेते हैं जिस तरीके से आप क्लासरूम के अंदर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो आपका डाटा है जो भी आपका लेक्चर है वो स्टूडेंट्स को भेजना है आप राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको जो भी आपका डाटा है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके बाद फिर वो आपको उसके पास सेंड करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के हार्डवेयर की आवश्यकता रहेगी कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता रहेगी और फिर किस तरीके से उनका उपयोग करना है वो भी हमें पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में तो हार्डवेयर की बात करें तो पी के साथ कनेक्ट होने के लिए क्योंकि आपकी जो भी इनपुट यानी कि जो आप पेन से लिख रहे हैं हम उसको इनपुट मान के चलते हैं आपके जो भी इनपुट आप पीसी को देना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ स्पेशल टाइप का जो हार्डवेयर है वो खरीदना पड़ेगा दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं तो मैं उन सब को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो पहले बात कर लेते हैं राइटिंग टैबलेट्स के बारे में राइटिंग टैबलेट कुछ इस तरह के हार्डवेयर होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह का है राइटिंग टैबलेट जिसको हम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यू पोर्ट है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको पी के साथ कनेक्ट करके इसके उप, साथ एक पेन आता है इस पेन का उपयोग करके जब आप इसके ऊपर लिखेंगे तो जैसी राइटिंग में आप लिख रहे हैं वो एज़ इट इज़ पीसी के अंदर आप स्टोर कर पाएंगे वो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह का इनको हम राइटिंग टैबलेट्स कहते हैं मार्केट के अंदर या ऑनलाइन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इसके साथ एक पेन आता है ये पेन प्रेसर सेंसिटिव भी होता है तो यहाँ पे जब इस तरह की टैबलेट आप परचेज करें तो उसके लिए दो तीन बातों का आपको है। है? इसमें का हिस्सा है।, है, है एक्टिव एरिया का मतलब टेबलेट का आप साइज देख रहे होंगे काफी बड़ा है यहाँ से यहां तक इसके दोनों तरफ ब्लैक पोर्शन भी है बीच में जो ये व्हाइट पोर्शन है सिर्फ ये एक्टिव एरिया है यानी कि मैं पेन से अगर लिखूंगा तो सिर्फ जो वाइट एरिया के अंदर लिखूंगा ये उसी को कैप्चर करेगा उससे बाहर के हिस्से के अंदर कुछ भी लिखा जाएगा उसको कैप्चर नहीं करेगा तो ये एक्टिव एरिया होता है दूसरा पेन के बारे में बात करते हैं तो पेन आप देखेंगे यहाँ पे इस टाइप की इसके अंदर ये टिप्स होती हैं ये प्रेशर सेंसिटिव होती हैं आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे मोटा लिखेगा या प्रेशर सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग वही काम करेगा तो वो हम किसी वीडियो में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से यूज़ करना है फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं तो इसको परचेज करने से पहले आपको जो ख़ास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एक्टिव एरिया जो मैंने अभी बताया वो एट इंच से ज़्यादा होना चाहिए या एट इंच या उससे ज़्यादा होना चाहिए कई तो टैबलेट्स आती हैं जैसे सिक्स बाई एट सिक्स बाई थ्री आप ऑनलाइन जब परचेज़ करेंगे तो देखेंगे कि सिक्स बाई थ्री लिखा हुआ है सिक्स बाई फोर लिखा हुआ है वो एक्टिव एरिया के बारे में है तो ये ध्यान रखें कि एक्टिव एरिया जितना बड़ा होगा आप उसको इतना ही आसानी से लिख पाएंगे एक छोटे पेज के ऊपर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इसका हाफ हो गया और उस पर आप बड़ा पेज के साइज़ का लिखेंगे तो काफ़ी मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं तो आप जब लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बड़े साइज का लीजिए मिनिमम मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा सिक्स बाई एट या कम से कम आठ इंच का स्क्रीन साइज़ या उसका जो टैबलेट का जो है एक्टिव एरिया है वो ज़रूर होना चाहिए तो एक तो था ये हार्डवेयर कीमत क्या रहती है इसकी इसकी कीमत लगभग तीन चार हज़ार रुपये से लेकर के बारह तेरह हज़ार रुपये तक की रेंज में बढ़िया क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं तो आमतौर से जो एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए टीचिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो पाँच छः हज़ार रुपये तक का आपको एक अच्छी क्वालिटी का राइटिंग टैबलेट आपको मिल जाएगा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल रखे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ सेलेक्टिव जो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आप लोगों के लिए इकट्ठा करने की तो वहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी राइटिंग टैबलेट्स हैं वो तो ये तो थी राइटिंग टैबलेट्स दूसरा है आई ये आई है इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंसिल आती है साथ में आप पेंसिल परचेज़ कर सकते हैं साथ में तो नहीं आती अलग से आपको परचेज़ करना पड़ेगा इसके ऊपर जो भी स्क्रीन के ऊपर आप लिखेंगे वो एज़ इट इज़ मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं दूसरे चैनल के ऊपर वहाँ पर मैंने इन इसका इस्तेमाल किया राइटिंग टैबलेट्स का तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइटिंग टैबलेट का ये रहेगा इसके साथ ही पेंसिल आती है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव मैं क्यों कह रहा हूँ अगर आप इसको परचेज करेंगे मार्केट से तो लगभग तीस से पैंतीस हज़ार रुपये के आसपास ये होती है प्लस सात आठ हज़ार रुपये के आसपास ये एप्पल की पेंसिल मिलती हैं कई दूसरी कंपनियाँ भी हैं जैसे सैमसंग भी बनाती है कुछ जिसके अंदर राइटिंग के लिए पेंसिल साथ में आती है वो स्टाइलस कहते हैं उसको तो वो भी मिलते हैं मार्केट के अंदर तो वो करीब करीब तीस से बत्तीस हज़ार के आसपास अवेलेबल होते हैं तो वो फ़ायदा क्या है इनका इनका फ़ायदा य रहेगा कि इसका जो भी आपके प्रोग्राम्स होंगे इस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं सारा काम एज ए टैबलेट भी काम करेगा एज ए डायरी भी आपका काम करेगा सारे काम करेगा उसके अलावा उस जो मैंने अभी राइटिंग टैबलेट बताया था उसको सिर्फ आप पीसी के साथ कनेक्ट करके या इस तरह के किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करके ही यूज़ कर सकते हैं वो कुछ स्टोर नहीं करता है और इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है कि जिसमें आप स्टोरेज कर सको या उस तरह का कोई काम कर सको वो सिर्फ राइटिंग के लिए जैसे आपका माउस पैड होता है उसी तरह का है इस टाइप की टैबलेट आपको विंडोज़ में भी और एंड्रॉयड के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएंगे अब यहाँ पे जो तीसरा टाइप का हार्डवेयर है वो लैपटॉप्स के अंदर आता है आजकल कई सारे लैपटॉप ऐसे हैं जो टच स्क्रीन के साथ आते हैं फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप्स की जिसके साथ स्टाइलस भी आता है और उसके साथ आप ये सारा काम भी कर सकते हैं तो आप अगर वो लेना चाहें आप नया लैपटॉप परचेज़ करने वाले हैं और आपका इसी तरह का काम है तो आप वो परचेज कर सकते हैं उसी में एक लो प्राइस के अंदर भी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जिसको माइक्रोसॉफ्ट गो के नाम से जानते हैं वो भी है वो करीब करीब फोर्टी थाउजेंड के आसपास की रेंज में आपको मिल जाएगा तो वो भी एज ए टच स्क्रीन या डिजिटल बोर्ड का आपका काम कर सकता है तो ये कुछ हार्डवेयर थे जिसके जो हमारे पास होने चाहिए सबसे ईजी और बेस्ट ऑप्शन है वो राइटिंग टैबलेट का है पेन का है क्योंकि सस्ता भी है और दूसरा आप इसको इजीली किसी भी डिवाइस के साथ जो आजकल नए आए हुए हैं जितने भी वो मोबाइल के साथ भी किसी भी टैबलेट के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं चार से पाँच हज़ार रुपए में आते हैं अगर आप उसी रेंज का टैबलेट परचेज करते हैं तो दस से बारह हज़ार रुपये के अंदर आपको पंद्रह हज़ार रुपये तक लगभग एक अच्छी क्वालिटी का टैबलेट मिल जाता है अगर उसके साथ वो कनेक्ट करते हो तो फाइव थाउजेंड यानि ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास में आपको एक अच्छा हार्डवेयर यहाँ पे हार्डवेयर सेटअप हो जाएगा दूसरी बात जो रहेगी कि अगर आप टैबलेट परचेज़ करते हैं इस तरह की जो टैबलेट परचेज़ करते हैं तो उसको विंडोज़ के साथ कनेक्ट करके ये आईपैड वगैरह या कोई एंड्रॉयड टैबलेट आप यूज़ करते हैं तो उसको विंडोज़ के साथ कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं इस वजह से उसको हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में यूज़ नहीं कर सकते कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊँगा किस तरीके से किया जा सकता है तो ये था कुछ एक हार्डवेयर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक जो हार्डवेयर हमें चाहिए यानी कि लिखने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हैं अदरवाइज आपका जो टैबलेट है या फ़ोन है टच स्क्रीन होना चाहिए उससे भी आपका काम चल सकता है उसके लिए आपको कुछ स्पेशल टाइप के स्टाइलस ही परचेज करने हैं वो भी आपका काम अगर आपका ज़्यादा राइटिंग का नहीं है सिर्फ आपको डायग्राम्स ही ड्रा करने हैं या कुछ जो पहले से डायग्राम है सिर्फ उसी को थोड़ा बहुत आपको समझाना है उसी के

देर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर फॉर दिस आई विल डिस्कस विद यू द मोस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर ओनली पाँच छः सॉफ्टवेयर ही मैं डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इफेक्टिव हैं जो काम करते हैं और आपके लिए ठीक हो सकते हैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड विंडोज़ मैक ओ एस आई पैड ओ एस या एंड्रॉयड पर नहीं है इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अवेलेबल है अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर विंडोज़ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मैको ऐसा मैक यूज़ कर रहे हैं कोई भी आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आई मैक इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप कोई आईपैड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी खास बात क्या रहेगी क्यों मैं इसको रेकमेंड करता हूँ जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको एक बार लॉग इन करना पड़ेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है आप अगर टैबलेट के साथ काम कर रहे हैं आईपैड के साथ काम कर रहे हैं या आप अपने मैक के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर कहीं पे भी आपने वाइट बोर्ड पर काम किया ये उसको एज इट इज़ सेव कर लेता है जो भी आप राइटिंग करते हैं और वो हर डिवाइस के साथ उसको सिंक्रोनाइज़ कर देता है तो आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं और फीचर्स चलिए देखते हैं एक बार इसके किसी भी वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले ये इन्श्योर कर लें कि आपके पीसी के अंदर वो एक्टिव है तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर को मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे देखिए ड्राइवर मैंने स्टार्ट कर दिए हैं बट अभी तक मैंने अपनी जो टैबलेट थी ग्राफिक टैबलेट उसको अभी कनेक्ट नहीं किया है जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो ये क्रॉस निशान जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर यह क्रॉस निशान नहीं आएगा और वो काम करना शुरू कर देगी यहाँ पे मैंने जो टैबलेट है उसको जोड़ दिया है इसके साथ अब इसके साथ है, देखते हैं मैं एक बार इसको मूव करवा के माउस को यस इट्स वर्किंग फाइन अब देखते हैं कि वाइट बोर्ड कैसे काम करता है सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के वाइट बोर्ड की माइक्रोसॉफ्ट के वाइट बोर्ड एप्लीकेशन को आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है वाइट बोर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड है इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पे मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ तो लॉन्च का ऑप्शन आया हुआ है तो यहाँ से मैं इसको लॉन्च करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन कोई पेमेंट इसके लिए नहीं करनी है यहाँ पे एक ख़ास फीचर इसकी है कि आपको जो भी रिसेंटली आपने यूज़ किए हैं वो आपको वाइट बोर्ड जो भी होंगे वो दिखाई देगा इसका फ़ायदा ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन या डिफरेंट क्लास के लिए आप अलग अलग वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो कितने भी वाइट बोर्ड आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं हर बार कोशिश कीजिए एक टाइप का अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक क्लास के लिए या एक टाइप की प्रेजेंटेशन के लिए तो उस टाइप के प्रेजेंटेशन के लिए एक बोर्ड फिर उसके बाद दूसरे के लिए दूसरा एंड तीसरे के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ पर हम क्रिएट न्यू व्हाइट बोर्ड के ऊपर जा के नया वाइट बोर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं तो ये मैंने कुछ ऑप्शन इसके अंदर का चेंज करके इस तरह का बैकग्राउंड बनाया जा सकता है यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है इसको अगर आप ब्लैंक कर देंगे तो ये पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा और इस तरीके से आपको ये नज़र आएगा तो यहाँ पे इस मेनू को देखने से पहले नीचे देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन हैं किसी भी पेन को आप सेलेक्ट करके किसी भी कलर के पेन को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था रेड पेन सेलेक्ट कर रखा है तो मैं यहाँ पे रेड कलर में लिखूँगा ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर के अंदर लिख सकते हैं अब आप देखिए यहाँ पे ये कुछ थिकनेस कम है यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है तो ये है प्रेशर के कारण मैं प्रेशर कम लगाता हूँ पेन के ऊपर तो इस तरह का और प्रेशर में अगर बढ़ा देता हूँ तो ये इस तरह का नज़र आता है उसके बाद यहाँ पे एक ये कलरफुल पेन है जो कलर चेंज करता रहेगा यहाँ पर हाईलाइटर है हाईलाइट आप किसी चीज़ को करना चाहें उस तरीके से हर एक में ही ये आपको इसका साइज चेंज कर सकते हैं और कलर को चेंज किया जा सकता है चाहे वो पेन हो या आपका हाइलाइटर हो कुछ भी हो यहाँ पे उसके बाद ये इरेजर का ऑप्शन है यहाँ से इसको यूज़ करके आप इनको इरेज कर सकते हैं ये स्केल का ऑप्शन है आप स्केल को यूज़ करना चाहें तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मुझे एक लाइन ड्रा करनी है तो ज़रूरी नहीं मैं इसके साथ करूँ मैं कहीं पर भी लाइन जैसे यहाँ से शुरू करके और इसके साथ ड्रा करता हूँ तो ये हमेशा स्केल के साथ साथ ही चलेगी ये दूसरी जगह पर नहीं जाएगी तो इस तरीके से स्केल का यूज़ किया जा सकता है उसके बाद यहाँ पे ये है लेशो टूल यहाँ पे जो भी सर्कल के अंदर जहाँ तक आप ड्रा करेंगे तो जो भी चीज़ आएंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी उसका आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर सकते हैं इनका या आप कट करना चाहें कट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये टाइपिंग टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना है यहाँ पर और यहाँ पे आपको कुछ नोट ऐड करने हैं इमेज ऐड करनी है तो इमेज अलग अलग जगह से यहाँ पे ली जा सकती है आप अपने पीसी के अंदर से ले सकते हैं बिंग इमेज या कैमरा यूज कर सकते हैं और कोई मेनू आपको इंसर्ट करनी है कोई भी चीज़ इंसर्ट इंसर्ट करनी है पी फाइल होगी वर्ड या पावर पॉइंट कुछ भी यहाँ पर आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं इसके अलावा एक बार कुछ ऑप्शन इनको भी देख लेते हैं यहाँ पे एक्टिव पेन है इंक टू सेप है इंक टू सेप का मतलब क्या है आप कोई भी सेप यहाँ पे ड्रा करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है एग्जैक्ट नहीं है तो मैं इसको एक्जैक्टली exactly इसके किनारे के ऊपर पहुँचूंगा तो ये क्या करेगा उसको सर्कल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा अभी ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है इंक टू सेप नाउ यहाँ पे अब देखते हैं ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आप इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल में चाहेंगे तो ये इस टाइप से जिस जिस भी टाइप की आप सेप बनाना चाहें ट्राइंगल टाइप से बनाना चाहें तो जो भी शेप आप बनाना चाहते हैं वो सेप बन जाएगी उसी के जो नियरेस्ट होगी वो सेप बन जाएगी इसके अंदर उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर आप, आप करना चाहते हैं तो पी फाइल में या एस फाइल के अंदर ये आपकी जो भी फाइल है उसको सेव करके एक्सपोर्ट कर देगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है फॉर्मेट बैकग्राउंड का फॉर्मेट बैकग्राउंड में यहाँ से आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं जैसा भी कलर आप चाहें इनके अलावा आप कोई और दूसरा कलर चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा आप या तो ग्रीन कलर इस्तेमाल कीजिए या वाइट कलर इस्तेमाल कीजिए या आप कीजिए डार्क कलर जो ग्रे कलर है वो इस्तेमाल कीजिए उसके अलावा दूसरे कलर अगर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वीविंग के अंदर प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर देख ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर देखते हैं तो बेटर तीनों तीनों में इन तीनों में से ही सिलेक्ट कीजिए उसके बाद यहाँ पर आपके यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपका यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आप सेप चेंज कर सकते हैं यहाँ पेज की टाइप चेंज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्राइंगल मैंने वाइड रूल सेलेक्ट करूँगा तो ये इस तरीके से रूलिंग हो जाएगी पेज के अंदर और ये नैरो रूलिंग तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है अब यहां पर एक और ऑप्शन है क्लियर कैनवास का क्लियर कैनवास का मतलब है कि आप पूरे इसको क्लियर करना चाहते हैं एक बार आप इरेजर से नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा कैनवास यहां पे क्लियर हो जाएगा टूल बार लोकेशन आप टूल बार को जो ये टूल बार है इसको कहाँ पे चाहते हैं बॉटम में चाहते हैं आप लेफ़्ट में चाहते हैं तो ये लेफ्ट में चली जाएगी राइट में चाहते हैं तो ये टूल बार राइट के अंदर आ जाती है तो इसकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं सो दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल तो इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पे एक फ़ीचर और भी है इसकी जैसे मैं पेन को एक बार दबा के यहाँ से यहाँ से मैं ऊपर नीचे करना चाहूँ तो ये इस तरीके से जूम किया जा सकता है आउट किया जा सकता है और कहीं पर भी कहीं तक भी इसको लेके जाया जा सकता है अब मैं जैसे यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा तो यहाँ पर हो गया अब यहाँ पर जूम करते हैं तो आप देखिए इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी इसको मूव करवा जा सकता है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है तो आपका अगर कोई इस तरह का बड़ा मैटर है आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसको इधर उधर खिसका के आराम से पूरा का पूरा, का पूरा काम इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं तो ये कुछ फीचर्स थी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का ही वन नाट वन नाट एक टाइप की नोट टेकिंग एप्लीकेशन है बट यहाँ पे हम उसी नोट टेकिंग एप्लीकेशन को अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फीचर है ख़ास फीचर है कि आप उसके अंदर सेक्शंस बना सकते हैं जैसे आप कोई किसी भी क्लास ले रहे हैं उसको क्लास पहले डिवाइड कीजिए फिर उसके अंदर आप कौन सा लेसन है उसको सेक्शन पार्ट में डाल दीजिए तो इस तरीके से हम बाईफर्केट कर सकते हैं दूसरी जो खास फीचर ये है अगर आपने राइटिंग में कुछ लिख दिया तो उसको भी हम ऊपर नीचे खिसका सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स में चलिए एक बार देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन को नेक्स्ट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की ही वन नाट ये वन नोट एप्लीकेशन है यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैंने बताया था यहाँ से आप सेक्शंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए नोटबुक जैसे सेलेक्ट की उसके बाद आप यहाँ पे ऐड नोटबुक करना चाहते हैं तो वो नोटबुक यहाँ पर एड की जा सकती है अब यहाँ पे मान लिया मेरे पास ये क्रिएटर की थी अब उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं करंट टॉपिक फ्यूचर टॉपिक ड्राइंग एंड डायग्राम डिस्क्रिप्शन आप भी जैसे भी बनाना चाहें तो आप इस तरह के बना सकते हैं कुछ भी अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी मतलब आप इस तरीके से फर्दर सेक्शंस आप पेज ऐड कर सकते हैं तो ये तीन लेवल के ऊपर होता है फर्स्ट नोटबुक उसके बाद नोटबुक के अंदर आप देखेंगे सेक्शंस हो गए सेक्शन के अंदर फिर पेज हो गए तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास फॉर एग्जांपल आप Uh, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे दो सेक्शन बना दिए फिजिक्स के एक प्लस वन के लिए एक प्लस टू के लिए फॉर एग्जांपल मैं प्लस वन के लिए फिजिक्स लेता हूँ या प्लस टू के लिए फ़िजिक्स लेते हैं तो जो भी लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप उसको चेंज यहाँ पे बना सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे पेपर सेलेक्ट किया उसके बाद यूनिट वन वीडियो लेक्चर्स एंड सोन इस तरीके से यूनिट वन टू थ्री आप कर लें फिर उसके बाद आपका पर डे जो भी आप काम करते हैं नवंबर के अंदर किया दिसंबर में जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पे आप पेज बना सकते हैं तो ईजी है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन इसकी अब मेन फीचर जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर हम राइटिंग कैसे करें तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ड्रा का तो इसके ऊपर ड्रा के ऊपर हम जाएंगे तो ड्रा के ऊपर जाके हम यहाँ से इजीली हम कर सकते हैं आ, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसी टाइप से पेंसिल यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और लिखना चाहेंगे जो भी लिखना चाहेंगे आ, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये कुछ भी लिखना चाहें हम आसानी से लिख सकते हैं तो जो भी आप लिखना चाहेंगे देखिए इसकी एक ख़ास फीचर ये है कि आप जब भी लाइन ड्रा करते हैं उसमें थोड़ा बहुत कर्व होता है तो ये उसको स्मूथ बना देता है तो वन नोट की एक तो ये ख़ास फीचर है कि ये जो भी चीज़ें होंगी उसको स्मूथ बना देगा तो यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स सेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं पेन टाइप पेंसिल टाइप आप कैसा लेना चाहते हैं पेंसिल लेना चाहते हैं इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पर उसके साथ अब अगर ये जो मेन फीचर है इसकी जो मैं सबसे अच्छी चीज़ मानता हूँ वो ये है आप इंसर्ट या रिमूव करना चाहते हैं स्पेस को फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्पेस जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से कीजिए और बीच में स्पेस जनरेट हो गया यहाँ से आप स्पेस जनरेट करना चाहते हैं तो फिर से उसी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से नीचे कीजिए तो ये स्पेस जनरेट यहाँ पर हो जाता है इस तरीके से इसका फ़ायदा क्या है बाई चांस आप कुछ लिखना चाहते हैं और बीच में एक लाइन रह गई तो उसको आप इस तरीके से स्पेस को जनरेट करके या स्पेस को ख़त्म करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्पेस जितना भी होगा उसको आप ख़त्म या ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद आता है इसके अंदर ये शेप का ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट शेप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने जैसे एक्सेस सेलेक्ट कर दिए तो एक्सेस के अंदर अब आप यहाँ से कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट विद योर पेन Uh, कुछ भी बनाना चाहें इससे डिस एंगल इज थीटा दिस इज ओ ए बी एक्स वाई समथिंग कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइप की सेप है यहाँ पे ये वही ऑप्शन है यहाँ पे इंक टू सेप का इंक टू सेप का ऑप्शन में जब भी आप यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे तो ये क्या करेगा उसको सेप में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे जो सेप में कन्वर्ट करने का जो इसका मेथड है वो इन कंपैरिजन टू वाइट बोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है वाइट बोर्ड में हमने देखा था अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाता हूँ तो वो छोड़ देता था इसको हम नियर बाई भी अगर एरिया में कहीं पे छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको सेब को कन्वर्ट कर देगा ये देखिए वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमने करके देखी थी ज़्यादा इस तरीके से नहीं कर पाया था बट ये स्ट्रेट लाइन आराम से बना देता है तो इस तरीके से किसी भी सेप को अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेप जनरेट कर सकते हैं तो ये एक इसकी खास फीचर थी और जो अब सबसे बड़ी फीचर और सबसे बढ़िया फीचर है वो यहाँ पे आप बार बार देख रहे हैं तो इससे क्या होता है ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज़ करता रहता है आपने जो भी यहाँ पे पेज बनाया उसको सिंक्रोनाइज़ करेगा किसके साथ आपके अकाउंट के साथ आपका अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हो सकता है डिफरेंट आपका पी के अंदर हो सकता है टैब के अंदर मैंने वो सारा बताया था किसी भी जगह पर हो तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज़ करता रहता है जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो ऑटोमेटिकली सब डिवाइस में सिंक्रोनाइज़ uh, uh, हो चुका है उसको जब हम यूज़ करेंगे किसी भी डिवाइस पे जाऊँ मैं बैठ के दोबारा से काम कर सकता हूँ यहीं से अब यहाँ पे ये यह ऑप्शन है शेयर का आपने जो भी अब टाइप किया है उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर किया जा सकता है ईमेल एड्रेस को शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस के थ्रू शेयर कर सकते हैं या सेंड ए कॉपी इसकी आप सेंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी वो कॉपी को सेंड किया जा सकता है इसके अलावा भी आप इसको अगर पी में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रिंटर की हेल्प से पी प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करके आप इसको भेज सकते हैं ये ये तो था आपको पूरा दिखाई दे रहा है अभी अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन मोड के अंदर ये चीज़ें दिखाई ना दें तो इस तरीके से फुल स्क्रीन मोड के अंदर आ जाता है इसको आप थोड़ा सा जो ऊपर का हिस्सा है इसको कट कर सकते हैं जब कुछ एडिटिंग करके और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी लिखना चाहें वो आप इजिली काम इसके साथ कर सकते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन पहले एक बार कुछ चीज़ें और देख लेते हैं उसके बाद कहेंगे यहाँ पे ये यह बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में आपने देखा कि इतनी सारे फीचर्स के साथ ये है अब एक और इसका फायदा है वो फायदा ये है कि ये भी मल्टी प्लेटफॉर्म support करती है इवन ये एंड्रॉयड को भी support करती है तो क्या मतलब हुआ आप अपने मैक के अंदर आईपैड के अंदर विंडोज के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर वाइटबोर्ड एंड्रॉयड स्पोर्ट नहीं कर रहा था अभी तक ये एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है तो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हों माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का यूज़ करके अपने नोट्स को जो भी आपने राइटिंग किए हैं वो एज इट इज़ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या इस तरीके से कर सकते हैं इसके अलावा आप जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप शेयर करना चाहें तो स्टूडेंट्स के साथ या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें आसानी से शेयर भी कर सकते क्योंकि इसमें शेयरिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता है तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के बारे में अब बात करते हैं नेक्स्ट अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पावर पॉइंट को भी हम एज ए व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट शुरू करता हूँ यहाँ पे ये हो गया पावर पॉइंट और पावर पॉइंट में इलेक्ट्रिक लाइन जो ये मैंने कोई जैसे बनाया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो उसके लिए है तो यहाँ पे भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने कोई फिगर ड्रा कर रखी है पहले से अब इसको इसके अंदर आप टाइपिंग कर, लिखना चाहते हैं अपनी अपना जो पेन है उसकी हेल्प से ग्राफिकल टैबलेट की तरह हेल्प से तो यू कैन राइट हियर और बैटरी ऑप्शन ये रहेगा आप इसको फुल स्क्रीन मोड के अंदर ले जाएँ और फुल स्क्रीन मोड के अंदर ले जाके और फिर आप इसके अंदर लिखना शुरू करें जैसे वाइट कलर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस तरीके से इसके ऊपर लिखा जा सकता है बट यहाँ पे फीचर्स उसके मुकाबले कम होंगे हाँ कलर वगैरह चेंज करना है तो ये पेन का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे पेन ले लेज़र पॉइंटर का ऑप्शन मिलता है आपने कुछ भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो आप इसकी हेल्प से लेजर पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे पेन के कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो इस तरीके से किया जा सकता है हाइलाइटर आपको चाहिए तो ये हाइलाइटर आपका है अगर आपको यहाँ पे इरेजर चाहिए तो कुछ भी इरेज करना हो तो आप इसको इरेज कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से बस इसका एक जो मेन बैक है वो ये है कि ये एक पेज पे ही काम करेगा आप इसको जैसे हमने वन नोट के अंदर और वाइट बोर्ड के अंदर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड था हमने उसको आगे पीछे खिसकाया था यहाँ पे हम वो काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे जो आपका पेज का साइज़ है आपको सारा काम उसी के अंदर करना पड़ेगा तो आगे पीछे हम जा सकते हैं पेज के ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से ये मैंने जो लेक्चर पहले तैयार किए थे उनका पार्ट है तो ये हो सकता है बट पेज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको इसी के अंदर फिक्स रखना पड़ेगा अगर आप अब लास्ट में ऑप्शन पूछता है रखना चाहें तो रख सकते हैं डिस्कार्ड करना चाहें तो जो भी आपका लिखा हुआ है वो डिस्कार्ड कर सकते हैं दैट शोन यू तो ये था पावर पॉइंट का अब इसके अंदर भी अगर आपने परचेज तो कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा जैसे मेरा आपने देखा था स्टार्टिंग में जब मैं ओपन कर रहा था इस चीज़ को मैं एक बार दोबारा से फिर से दिखा देता हूँ आपको आ, मैं पावर पॉइंट को जैसे ही ओपन करता हूँ पावर पॉइंट को ओपन करूँगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओपन करूं देखिए यहाँ पे हो रहा था ऑप्शन कि डाउनलोडिंग का ऑप्शन आया था तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं यानी कि सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं ऑटो सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं सभी के साथ यहाँ पे आप सेविंग का ऑप्शन है सेव करेंगे तो ये फिर से उसी तरीके से कोई चेंज सेव चेंज होगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा और ये सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा सिर्फ तब जब आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है फ्री यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा अब यहाँ पे जो भी आपने मेन बात थी शेयरिंग की यहाँ पे जो भी आपने लिखा जो भी स्लाइड्स बनाई प्रिपेयर की अब आपको शेयर करना है उनको स्टूडेंट्स के साथ तो यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है क्रिएट एंड शेयर अडो पी तो यहाँ से आप उसको एज ए पी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको शेयर कर सकते हैं तो ये आपका पी फॉर्म में बन जाएगा और इस तरीके से आप इसको शेयर कर पाएंगे बट यहाँ पे जो कुछ फीचर्स हैं वो कम रहेंगी सबसे पहली फ़ीचर तो अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है पावर पॉइंट का या ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो आप सिंक्रोनाइज़ नहीं कर पाएंगे एक डिवाइस से दूसरे दूसरे से तीसरे या इस तरीके से नहीं कर पाएंगे बहुत डिफ़िकल्ट है अगर आपने बाई चांस सब्सक्रिप्शन है आपके पास ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का देन आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो तो वो सिंक्रोनाइज़ हो जाता है दूसरी जो बड़ी यहाँ पे जो कमी मुझे नज़र आई इन कंपैरिजन टू अगर आप बात करें वाइट बोर्ड के यानी कि माइक्रोसॉफ़्ट वाइट बोर्ड या वन नोट के एक फीचर मिसिंग है वो ये कि वहाँ पे हमने देखा था कि बोर्ड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड था आप उसको कहीं भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी घुमा सकते हैं बट यहाँ पे जो आपके पेज का साइज़ है जो इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो फिक्स रहेगा आपको जब भी जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे या बैक पेज के ऊपर आप जा सकते हैं ये नहीं है कि उसी को आप छोटा या बड़ा कहीं से भी इधर उधर हम खिसका सकते हैं तो ये एक इसका बड़ा ड्राबैक है दूसरा ड्राबैक मैंने बताया था ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको चाहिएगा अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं फ़ायदे क्या आपने लेसन तैयार किया उसमें कुछ काम पावर पॉइंट का था आपने पावर पॉइंट के अंदर अपनी स्लाइड्स बना ली तो स्लाइड्स आपकी तैयार हैं अब उसमें से ही आपको कुछ लिखना है या समझाना है मैंने कई वीडियोस में आप देख सकते हैं इस तरह के वीडियोस मैंने तैयार किए हैं लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है मेरे दूसरे चैनल भौतिक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं जो क्लास लेक्चर्स में प्रिपेयर करता हूं तो वहां पे मैंने इस्तेमाल किया है पावर पॉइंट का भी जिसमें हमें पहले पावर पॉइंट का यूज़ कर लेंगे उसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं फिर उसी डायग्राम्स के ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं तो ये कुछ खास फीचर है पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट को भी एज ए वाइट बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये तो तीन सॉफ्टवेयर थे जो फ्री हैं और मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन नॉट सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए दैट डिपेंड्स अपॉन यू आपके यूज के अकॉर्डिंग आपको जो भी ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं या तीनों ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तीनों की यूटिलिटी अलग अलग है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जैसी रिक्वायरमेंट हो आप जगह, जगह जगह पे उसको यूज़ करते रहें फ्यूचर वीडियोज़ में मैं बताऊंगा अभी एक पूरा कंप्लीट जब हम लेसन करेंगे एक लेसन तैयार करेंगे पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर किस किस जगह पर किस चीज़ का यूज किया जा सकता है नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे नेक्स्ट है नोटेबिलिटी नोटेबिलिटी सिर्फ आई के ऊपर है iPad या macOS के अंदर काम करता है विंडोज़ के लिए ऐसा कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है ना ही एंड्रॉइड के लिए है तो प्रेजेंट टाइम तक सिर्फ आप अगर iPad यूज़र हैं और मैक यूज़र हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कई सारी फ़ीचर्स ऐसी हैं जो हाइट बोर्ड में या यूँ कहें पावर पॉइंट में या आप वन नोट के अंदर कह सकते हैं नहीं है तो नोटेबिलिटी बेस्ट हो बट यहाँ पे एक जो ध्यान देने की बात है वो ये कि इट इज़ नॉट फ्री इट इज़ ए पेड ऐप तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी लगभग आठ सौ रुपये के आसपास इसकी जो कीमत है वो है तो आप एप्पल स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हैं प्ले स्टोर जो भी उनका वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं बट ये ध्यान रखें ये सिर्फ आई पैड ओ एस या फिर मैक ओ एस के ऊपर ही काम करेगा विंडोज़ के अंदर या एंड्रॉयड के अंदर ये काम नहीं करेगा तो ये तो वो एप्लीकेशंस थी जिसको आपको अपने पी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है पीसी, टैबलेट या आईपैड कहीं कहें किसी भी की बात करें तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है बट देर आर समाइप ऑफ वाइट बोर्ड्स विच कैन बी यूज ऑनलाइन दैट इज़ यूजिंग यूअर ब्राउज़र आपके पीसी के अंदर हो आप कहीं पे भी हो इस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस यू आर यूजिंग दैट इज़ यू आर यूजिंग ए पी सी यू आर यूजिंग ए मैक इवन यू आर यूजिंग है मोबाइल फ़ोन और यू आर यूजिंग है टैबलेट और यू आर यूजिंग ए आई पैड तो कोई भी इस तरह का आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हो जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से हैं वो चलिए देखते हैं हम पी सी के ऊपर ही यहाँ पर काम करेंगे तो एक बार उन सभी टाइप के सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ एप्लीकेशन सब डिस्कस करूँगा आपके साथ जो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं तो वो एप्लीकेशन्स अलग अलग हैं सबसे पहले एक एप्लीकेशन है ए वेब वाइट बोर्ड ए वेब वाइट बोर्ड इस तरीके की ऑप्शंस आपको दिखाई देती हैं आप अपने पेन की हेल्प से अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आपको मिल जाती हैं बट यहाँ पे देखिए ये उसको शेप को चेंज कर रहा है मैं टू लिख देता हूँ तो इस तरह का थ्री लिख देता हूँ फ़ोर लिख देता हूँ फ़ाइव कुछ भी लिखेंगे वो ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अंडू कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं ड्रा कर सकते हैं इरेज ये शेप वगैरह के ये ऑप्शन कुछ कॉमन ऑप्शन जो होते हैं वो मिलेंगे इस तरफ आप अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे फुल स्क्रीन के लिए हो गया या पेन के लिए ये फिट कंटेंट टू स्क्रीन एंड एनेबल माउस पॉइंटर तो वो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बोर्ड है उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पी डी में कन्वर्ट करके या इमेज में जैसा भी आप चाहिए वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं उसके लिए आपको एक आई डी इसके ऊपर बनानी पड़ेगी एक और इसकी खास फीचर ये है कि आप अगर स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं आप इसको इसका लिंक कॉपी करेंगे अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे या आप जिसको ये सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उन सबको इसका लिंक भेजेंगे तो वो सारे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने ब्राउजर के अंदर देख पाएंगे सबसे बड़ी खास फीचर इसकी ये है कि ये वेब ब्राउजर बेस्ड है ये कहीं पे भी काम करेगा किसी भी टैबलेट पीसी, फोन किसी भी जो ब्राउज़र होता है उसके अंदर ये काम करेगा उसके बाद दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे क्लास फ्लो के नाम से है ये क्लास फ्लो वाइट बोर्ड होता है यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या पहले लॉगिन करना पड़ेगा उसके बाद आप इसको यूज़ कर पाएंगे फीचर्स लगभग एक जैसी सी हैं तो ये कुछ एक चीज़ें आप यहाँ पे अकाउंट बना के क्लास फ्लो को यूज़ कर सकते हैं और तीसरा है जैम बोर्ड ये गूगल की तरफ से बनाया गया है गूगल की तरफ से बना बनाया तो है बट फ्री नहीं है काफ़ी कॉस्टली uh, है ये तो अगर आपके पास छोटा सेटअप है छोटी क्लासरूम है और सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से ज़्यादा नहीं है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका बड़ा काम होता है ज़्यादा प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वहाँ पे ये ठीक है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बट यहाँ पर भी अगर आप वेब में यूज़ करना चाहते हैं तो ए ऐप वाला जो है यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं ए वाइट बोर्ड यूज़ आप कर सकते हैं तो ये तो थे कुछ एक वाइट बोर्ड्स के अब एक ऐप रहती है नोटेबिलिटी नोटेबिलिटी के द्वारा बनाए हुए मेरे वीडियोज़ आप भौतिक जो चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर आप देख सकते हैं तो वो पेड ऐप है पेड ऐप क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे इस कोर्स के अंदर हम कहीं पे डिस्कस नहीं करेंगे पेड ऐप के बारे में तो उसका लिंक मैं यहाँ पे ज़रूर दे दूंगा अगर आप चाहें तो उसको परचेज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पीसी के अंदर या मल्टी डिवाइस के अंदर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वन नॉट इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू सो

कुछ रिव्यू इनका कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल रिव्यू क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बहुत टाइम लगेगा इनके लिए इन सभी अपल्लीकेशन के लिए डिफरेंट वीडियोज़ फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ बनाएंगे आप उन सबको देख लें वहाँ से आप चेक कर लें पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन होगी पूरी डिटेल्स के साथ अगर आप वो देखना चाहते हैं तो क्योंकि इसकी वीडियो की लेंथ काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी इस वजह से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो चलिए आगे करें सो so, ये कुछ एक ऑप्शन थी जो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वन नोट या माइक्रोसॉफ्ट का ही पावर पॉइंट है इनको आप लॉन्च करना चाहें तो एक मेन शॉर्टकट है यहाँ पे कॉर्नर में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक पेन बना हुआ दिखाई देगा विंडोज इंक वर्क से इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं अब एक और फीचर है यहाँ पे फुल स्क्रीन स्निप तो ये क्या करेगा पूरी स्क्रीन का स्क्रीन ले लेगा अब आप उसको ऊपर कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर हैं कई पिक्चर आपको लेनी होती है डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होता है तो इस तरीके से पिक्चर लेके आप उसके डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ इन सभी एप्लीकेशंस के जो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट माइक्रोसॉफ़्ट व्हाइट बोर्ड उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ तक हमने हार्डवेयर डिवाइसेस जो डिजिटल बोर्ड के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए और कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करते हैं उन सब के बारे में सीखा अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं आंसर दूंगा उसके लिए अब यहाँ तक तो हमने उनका देखा कि कैसे कैसे वो उपयोग किए जा सकते हैं अब हम लेक्चर के अंदर उसके क्या करें क्या जोड़ें कैसा चीज़ें चाहिए वो फ्यूचर वीडियोज के अंदर हम देखेंगे इनके बारे में और अधिक डिटेल्स के साथ वीडियो फ्यूचर में हम बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर सभी पार्ट्स को कवर किया जाता तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो है तो उसके वीडियो फ्यूचर में बनेंगे तब आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं थैंक यू वेरी मच